मैं स्किन, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बाल, स्किन, नाखून और हमारा जनरल स्वास्थ्य, चारों चीजों को मिला के कह रहा हूं मैं। तो हमें ये सबका ख्याल रखने की जरूरत है। जी तो एक एक करके हम समझ सकते हैं कि हमें इस मौसम में क्या क्या ख्याल रखना तीनों चाहिए। चीजें, अल्ट्रावायलेट रेस, जी इंफ्रारेड रेस और डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी, अच्छा, इन तीनों चीजों से स्किन में प्रभाव पड़ता केस है। सनस्क्रीन एक प्रोटेक्शन होता है। सनस्क्रीन का तरीका ये होता है कि वो पूरे खुले भाग पे लगाना होता है, चेहरे से गर्दन तक, हाथों तक पूरा लगा के चले। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा, हमारे साथ है चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुजीमा सर्जी सर। हम सबसे जानेंगे कि इतनी गर्मी में, इस धूप में हम अपने चेहरे को कैसे बचाएं, प्लीज सर। जी नमस्कार, सभी देखने सुनने वालों को मेरा अभिनंदन। जो और मौसम है वो गर्मी का है, तो बिल्कुल हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो स्किन का हो, बालों का हो, हमारा जनरल स्वास्थ्य का हो। और गर्मी से जो तकलीफ होती है, जिसको हम लू लगना कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं, पानी की कमी होती है, जी सर, सभी तरह की चीज़ों को हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। और गर्मी और आने वाले दिनों में जब ये उमस आएगी और बरसात का मौसम आएगा, इसमें इन्फेक्शंस भी बहुत देखने को मिलते हैं स्किन का। तो हमें स्किन का इन्फेक्शंस और जो गर्मी से होने वाला स्किन पे जो प्रभाव होता है, मैं स्किन, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बाल, स्किन, नाखून और हमारा जनरल स्वास्थ्य, चारों चीज़ों को मिला के कह रहा हूँ मैं। तो हमें ये सबका ख्याल रखने की ज़रूरत है। जी तो एक एक करके हम समझ सकते हैं कि हमें इस मौसम में क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। जी प्लीज सर, सर हम कैसे रखें, जैसे चेहरे पर सनस्क्रीन क्रीम लगाएं, जी या कुछ लोग कहते हैं कि चेहरा काला भी पड़ जाता है गर्मियों में, तो फोड़े फुंसी भी हो जाते हैं, एक्ने की भी प्रॉब्लम आती है, तो ये सब जी गर्मियों की वजह से आती है, कैसे हम अपने चेहरे को क्लीन रखें प्लीज सर। जी जी तो गर्मी जब आती है तो हमें गर्मी से बचाव क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। जी नंबर पे पहला, सबसे पहला पार्ट तो ये, जी सर, हम ये समझे कि गर्मी का असर कैसे होता है। तो जो सूरज की किरणें होती है, सूरज की किरणों में दो तीन तरह के अलग अल्अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। जी सर, एक होता है अल्ट्रावायलेट रेस, जो कि एक तरह का वेवलेंथ होती है जो डायरेक्टली स्किन को डैमेज करती है। अल्ट्रावायलेट किरणें जब स्किन के कांटेक्ट में आती है तो अनेक तरह के स्किन डिजीज होना स्वाभाविक है, डर्मेटाइटिस कहते हैं, जिसको फोटो डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो जो डर्मेटाइटिस होती है, जिसमें चमड़ी में सूजन हो जाती है, लाल हो जाते हैं, चकत्ते बनने लग जाते हैं, खुजली होने लग जाती है, तो ये यूवी लाइट का प्रभाव होता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो सनलाइट होती है उसकी एक गर्मी होती है, हीट होता है उसके अंदर, जो इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण होता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन, जैसे आपने सुना होगा कि माइक्रोवेव कुकिंग कैसी होती है ना, कि वो एक तरह की रेडिएशन होती है, जब वो उसके ऊपर पड़ती है तो वो हीट जनरेट करती है, वैसे ही इंफ्रारेड रेडिएशन हीट जनरेट करती है। तो उससे स्किन झुलसती है, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन में पपड़ी बनने लग जाती है, लाल होने लग जाती है। तो ये उसका जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, उसका प्रभाव होता है। और जब धूप स्किन के कांटेक्ट में आती है, मतलब बदन के कांटेक्ट में आती है, तो बदन के वाटर को, पानी को वो कम कर देती है, डिहाइड्रेशन होने लग जाता है। जिस प्रकार बदन में डिहाइड्रेशन होता है, उसी प्रकार स्किन में भी डिहाइड्रेशन होता है। तो तीनों चीज़ें, अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस और डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी, इन तीनों चीज़ों से स्किन में प्रभाव पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि स्किन सांवली होने लग जाती है, लाल होने लग जाती है, उसमें पपड़ी बनने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है, चकत्ते बनने लग जाते हैं, दाने बनने लग जाते हैं, खुजली, जलन, दर्द, तीनों चीज़ होने लग जाती है। और ये खुले भाग पे होता है, जो हमारा खुला भाग होता है, चेहरे से गर्दन तक वाला, छाती तक वाला पार्ट होता है, हाथों वाला पार्ट होता है, पैर पे जो हमारा ओपन एरियाज होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। और आप भी कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, बाइक चलाते हैं, या जिनको लगातार सीट से चिपक के बैठना होता है, तो उनका क्या होता है कि पीठ पे आप देखते हैं कि पूरी उनकी पीठ झुलस जाती है, उस पे दाने हो जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं, जैसे मरोरी भी कहते हैं, मरोरी कहते हैं, घमोरिया कहते हैं, प्रिकली हीट कहते हैं, ये सब कॉमन टर्मिनोलॉजी है। तो ये सब जो चीज प्रभाव होते हैं, ये स्किन में होते हैं। इसके साथ ही बालों में भी होते हैं, बाल जो लगातार धूप में रहते हैं तो बाल का भी डैमेज होता है, उनकी जो नेचुरल चमक होती है वो चली जाती है, वो ड्राई बेजान से हो जाते हैं, फ्रीजी हेयर जिनको कहते हैं, कि उनका जो नेचुरल लश्कर है वो खत्म हो जाता है, और वो ऐसे घुंघराले से और ऐसे हो जाते हैं कि उनको सुलझाया नहीं जा सकता, उनको आसानी से कंघी नहीं किया जा सकता। और कई बार हमारे नाखूनों पर भी इसका असर पड़ता है, नेल्स भी हमारे ड्राई होते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि वो टूट के गिर रहे हैं, लोग कहते हैं कि उनके नाखून ऐसा हो जाता है कि वो
जरा सा भी उनके ऊपर कोई चोट लगती है, खरोच लगती है, तो वो उनकी पपड़ी सी बन के वो गिरने लग जाते हैं। तो स्किन, हेयर, नेल्स सभी में इसका प्रभाव पड़ता है। जी सर, मैंने देखा था बालों में खुजली टाइप भी हो जाती है, तो पहले क्या करते थे हम लोग कि नारियल का तेल या सरसों का तेल पानी मिला के फिर लगाते थे। बिल्कुल सही, तो ये ठीक तरीका है घरेलू उपाय अगर माने। बिल्कुल, ये मतलब इस पे बचाव पे जब आएंगे तो मैं इस पे जरूर बात करूंगा। इसके साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जब गर्मी लगती है, धूप में हम लगातार रहते हैं, तो जो डिहाइड्रेशन होता है वो बदन को अंदर से भी बीमार करता है। हम कहते हैं कि हमें लू लग गई है, तो आदमी निढाल हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, उसको कभी कभी बुखार आने लग जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, और कभी कभी इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है कि उसको अस्पताल में भर्ती करके नसों के थ्रू वाटर का रिप्लेनिशमेंट, जिसको आई इंट्रावीनस फ्लूइड्स कहते हैं, वो देने की जरूरत पड़ती है। तो हमें पानी भी पीते रहना चाहिए, जब भी आप निकले तो पानी पी के निकले घर से बाहर, वापस आए तो भी पानी पिए, और आप अपने साथ एक पानी की बोतल भी लेकर चले, तो ताकि आपका जो वाटर लेवल है वो बना रहे। जो पेय पदार्थ होते हैं, नींबू की शिकंजी होती है, मट्ठा लस्सी होता है, फ्रूट जूस होते हैं, ये आप बीच बीच में सेवन कर सकते हैं। और बहुत पक्का खाना जो होता है, एकदम पेट भर के जो हाई कैलोरी डाइट होती है, उसका थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि पेट में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो इतना गरिष्ठ खाने को पचा सके, तो उसका ध्यान रखना चाहिए हमें। तो ये तो हमारी अंदरूनी चीज हो गई। सर, जैसे लू लपट से जो बचाव के लिए हम करते हैं, वही उपाय मुझे लगता है स्किन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्किन के लिए भी वही उपाय है। तो मैं जो आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप अपने साथ एक किट बना ले, एक छोटा सा बैग रख ले, उसमें एक साफी रखें, एक गॉगल रखें, हेलमेट अपने साथ लेके चले, हाथ के ग्लव्स आते हैं मार्केट में, कपड़ों के बने रहते हैं, आप आराम से पहन सकते हैं उनको, जूते मोजे पूरी आस्तीन के कपड़े पहन के रखें। मैंने अक्सर देखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से खासकर लोग आते हैं, और जो खेतों में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, हमारे पुलिस भाई होते हैं जो लगातार धूप में चौराहे पे खड़े रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कंपनी का काम करते हैं, उनको लगातार दिन में चक्कर लगाते रहना पड़ता है। तो ये एक ऐसी पॉपुलेशन है कि जो धूप के प्रभाव को सबसे ज़्यादा झेलती है, तो इनको खासकर बचाव करना चाहिए। सनस्क्रीन तो लगाना ही होता है, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। लोग हमें अक्सर कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाने से वो सफ़ेद सा दिखने लग जाता है चेहरा, या ऑयली हो जाता है, या वो बहने लग जाती है, क्योंकि पसीना आता है और वो टिकती नहीं है। सनस्क्रीन हमेशा लगा लेना चाहिए अपने को, चाहे वो फिर उसका प्रभाव कैसा बचाव है। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करना है, तो आप कितनी एक्सरसाइज करने से आप फिट रहोगे वो एक बात की बात है, लेकिन एक्सरसाइज जरूर कर लेना चाहिए। तो वैसे ही मैं लोगों को कहता हूँ कि आप सनस्क्रीन जरूर लगा लो, वो रुके ना रुके, बह जाए बाद में जो उसका वो बात अलग है, लेकिन लगाए जरूर उसको, लगा के निकले। होता है कि जैसे चेहरा होता है, गर्दन होती है, हाथ होते हैं, इनको हम निरंतर धूप से नहीं बचा सकते, क्योंकि हमारा काम होता है, हमें अपना काम करना होता है, तो हमें ग्लव्स उतारना पड़ेंगे, साफी वगैरह हटानी पड़ेगी, ग्लव्स गॉगल हटाना पड़ेगा। उस केस में सनस्क्रीन एक प्रोटेक्शन होता है। सनस्क्रीन का तरीका ये होता है कि वो पूरे खुले भाग पे लगाना होता है, चेहरे से गर्दन तक, हाथों तक पूरा लगा के चले। धूप में जाने के 40 मिनट पहले उसको लगाना होता है, क्योंकि वो स्किन में लगने के बाद एक्टिवेट होता है, और एक बार लगा हुआ सनस्क्रीन 3 घंटे तक अपना असर देता है। अगर आपको लगातार धूप में खड़े रहना है तो 3 घंटे में दोबारा लगाना चाहिए। तो सनस्क्रीन लगाना एक चीज हुई, जो हमारा किट है जो बचाव का मैंने बताया वो दूसरा पार्ट हुआ, और जो हमारा वाटर रिप्लेनिशमेंट है, जो पानी का हमें सेवन करना है, वो तीसरी चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए, तब जाके हम पूर्ण तरह से धूप से बचाव कर पाएंगे। जी वाकई बहुत अच्छे से सर समझाया आपने, और यकीनन हमसे जुड़े दर्शक इसका लाभ ले सकेंगे। जो डॉक्टर कोजिमा सैफी सर चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, सर ने जो आपको बताया कि कैसे अपने स्किन को, खुद को हम धूप और गर्मी से बचाएं। जी एक छोटा सा एक मैसेज और देना चाहता हूं कि एक पार्ट और था जो आपने घरेलू उपाय का कही थी। घरेलू उपाय वही करना चाहिए जो टाइम टेस्टेड हो, आपने जो कर रखा हो, जिससे आपको मालूम है कि इससे फायदा होता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं ना कि वो किसी भी उपाय को कहीं से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, और वो अपने ऊपर उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार कोई चीज ऐसी होती है जो धूप में आने से एक्टिवेट होती है और धूप के प्रभाव को बढ़ाती है, और धूप की जो नुकसान हो रहा है उसके साथ वो घरेलू उपाय का भी नुकसान होता है। जी तो घरेलू उपाय में आप थोड़ा ध्यान रखें कि जो आपको मालूम है कि इससे फायदा होगा वही करें।
एक और चीज मैं बताना चाहूंगा चलते चलते कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे वृद्ध लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज बीपी होता है, जिनको ऑलरेडी और कोई बीमारी चल रही होती है, कुछ कैंसर पेशेंट्स होते हैं, कुछ को पेट की बीमारियां होती हैं, जिनको ऑलरेडी उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वीक है, और जब वो इस तरह का प्रभाव पड़ता है तो उनको नुकसान ज्यादा होता है जी। तो ये वाली जो पॉपुलेशन है ये अपना खास ध्यान रख के ही चले। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यकीनन आपसे जो जानकारी दी है हमें वो हमारे दर्शकों के लिए काफी लाभकारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।